दोस्तों ज़्यादातर लोग 20,000 के अंदर में ही फ़ोन बाई करते हैं, और आपका बजट भी अगर 20,000 है और आप लोग खोज रहे हो एक ऑलराउंडर फ़ोन जो कि आपको 20,000 के अंदर में ही मिल जाए, तो आप लोग बिल्कुल ही सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो में आपके लिए रिसर्च करके, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद टॉप 5 5G एंड ऑलराउंडर फ़ोन ढूंढ करके लाया हूँ जो कि आपको 20,000 के अंदर में ही मिल जाएगा। और इन सभी फ़ोन में आप लोग को 12GB तक का रैम भी देखने को मिल सकता है, 144Hz वाला सुपर एमोलेड प्लस कर्व डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगा, और एक फ्लैगशिप लेवल का कैमरा सेटअप रहेगा, उसी के साथ साथ पावरफुल प्रोसेसर भी रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारे लिस्ट के सबसे पहले 5वें नंबर वाले फोन के बारे में। जो मैंने 5वें नंबर पे फ़ोन रखा है ये एक गेमिंग के साथ साथ ऑलराउंडर फ़ोन है। अब मैं गेमिंग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसका डिज़ाइन जो है गेमिंग फ़ोन के जैसा लगता है। बैक के साइड में RGB पैनल लगा हुआ है इसीलिए, तो डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, और बैक के साइड में प्लास्टिक की बॉडी दी हुई है। आपको IP54 की रेटिंग भी मिल जाएगी। अगर कुछ अदर फीचर की बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट दिया हुआ है, जिसकी साउंड की क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 14 के ऊपर में रन करते हुए मिल जाएगा बेस्ड ऑन XOX 14 के ऊपर। चलिए बात करते हैं सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में। तो 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस 10 बिट वाली AMOLED पैनल दी गई है, जिसमें 144Hz का हाइयर रिफ्रेश रेट और 1300 nits तक का पीक ब्राइटनेस भी दिया हुआ है। बाकी डिस्प्ले में आपको सारे फीचर दिए गए हैं, जैसे कि HDR10+, Wide-Wide 11, ये सब कुछ का सपोर्ट दिया हुआ है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, कंटेंट वाचिंग के लिए, गेमिंग के लिए यह डिस्प्ले बहुत ही ज़बरदस्त है, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट भी दिया हुआ है। अगर प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek Dimensity 8200 वाला 5G और पावरफुल प्रोसेसर दिया हुआ है, जो कि 4nm फैब्रिकेशन प्रोसेस के ऊपर में बना हुआ है, और 9 लाख से ऊपर इसका अंततु स्कोर आता है। बाकी फोन में वेपर कूलिंग चैम्बर का भी सपोर्ट दिया हुआ है, जिससे फोन ज़्यादा हीट नहीं होता है, और बाई चांस कभी हीट भी हुआ तो ये जल्दी से कूल कर देता है उसे। और रैम टाइप LPDDR5X और स्टोरेज टाइप UFS 3.1 दी हुई है, तो काफ़ी फास्टेस्ट प्रोसेसर है ये, और गेमिंग के मामले में आपको कोई दिक्कत लेकर के नहीं आएगा। बैटल ग्राउंड्स गेम अगर आप लोग हायर सेटिंग पे खेल सकते हो, और नॉर्मल यूजर्स में तो बिल्कुल ही मक्खन जैसा एक्सपीरियंस रहेगा। अगर कैमरा सेटअप की बात करें तो बैक के साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया हुआ है, जिसमें 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, और अच्छी बात यह है कि इसमें OIS का सपोर्ट भी दिया हुआ है, यानी जब भी आप भाग दौड़ करके या फिर इधर उधर वीडियो शूट कीजिएगा तो आपका वीडियो एकदम स्टेबल रहेगा, ज़्यादा हिलेगा नहीं। और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया हुआ है, और इन सभी कैमरे में आप लोग 4K 60fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। वहीं 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है, और इस वाले कैमरे से 2K में 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसका प्रोसेस जो है, कैमरा काफ़ी डिसेंट टाइप का है, एवरेज टाइप के ही फोटो और वीडियो निकल करके आते हैं, क्योंकि इनका ज़्यादा ध्यान जो है गेमिंग की तरफ था, तो इसका प्रोसेसर ज़बरदस्त है। ऐसे नहीं है कि कैमरा बढ़िया नहीं है, कैमरा आप लोग काम चलाऊ एक तरीके से कह सकते हो। बाकी 5000mAh की एक बड़ी बैटरी दी हुई है फ़ोन में, और 45W का चार्जर दिया हुआ है बॉक्स में, तो एक घंटे में बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, और आराम से आपको एक दिन का बैटरी बैकअप नॉर्मल यूजर्स पे मिल जाएगा, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगा। जो मैंने 4थे नंबर पे फ़ोन रखा है ये एक नॉन चाइनीज फ़ोन है, इंडियन ब्रांड है, और ये फिलहाल में ही लॉन्च हुआ स्मार्टफोन है। ये फ़ोन है लावा का, लावा अग्नि 3 5G। काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन दिया हुआ है, यूनिक डिज़ाइन दिया हुआ है। बैक के साइड में ग्लास का बॉडी दी मिल जाता है, और बैक में एक छोटू सा डिस्प्ले भी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात हो जाती है 20,000 के अंदर में। बाकी IP64 की रेटिंग भी दी गई है फ़ोन के अंदर, और डुअल स्टीरियो स्पीकर का भी सपोर्ट दिया हुआ है, और ये फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 14 के ऊपर में रन करते हुए मिल जाएगा। 3+4 ईयर के सिक्योरिटी अपडेट और एंड्रॉयड अपडेट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले डिस्प्ले की। तो 6.78 इंचेस की 1.5K रेजुलेशन वाली 10-bit सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, और ये एक कर्व डिस्प्ले है, तो मूवी और सीरीज देखने के लिए, कंटेंट वाचिंग के लिए डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया है, और डुअल स्टीरियो स्पीकर भी दिया हुआ है। डिस्प्ले का अंदर 120Hz का हाइयर रिफ्रेश रेट और 1200 nits तक का पीक ब्राइटनेस भी दिया हुआ है। बाकी ये डिस्प्ले HDR10+ को भी सपोर्ट करती है, और Wide-Wide 11 को भी। तो डिस्प्ले जो है काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा और यूनिक डिज़ाइन दिया हुआ है। डिस्प्ले के मामले में बहुत ही फ़ोन ये आगे निकल जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का भी सपोर्ट दिया हुआ है, और जो पीछे वाला डिस्प्ले है वो है 1.74 इंचेस की 2D AMOLED डिस्प्ले, वो भी एक AMOLED डिस्प्ले है, और 50% टास्क आप लोग जो मेन स्क्रीन पर करते हो वो इस पीछे वाले स्क्रीन पर भी कर सकते हो। बाकी बैक के साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया हुआ है, जिसमें 50MP का मेन कैमरा OIS का सपोर्ट के साथ, 8MP का अल्ट्रा वाइड और 2MP का टेलीफोटो लेंस दिया हुआ है। इसके मेन कैमरे से 4K में 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और 16
16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है, उससे फुल एचडी में 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। कैमरा इस फोन का ठीक ठाक दिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 5000mAh की एक बड़ी बैटरी दी गई है फोन के अंदर में। 66W के चार्जिंग को ये सपोर्ट करती है, एक घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी ये बैटरी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek Dimensity 7300X 5G प्रोसेसर दिया हुआ है, जो कि 6 नैनोमीटर पर बना हुआ प्रोसेसर है और 7 लाख के करीब इसका अंतोतु स्कोर आता है। बाकी रैम टाइप LPDDR4X और स्टोरेज टाइप FS3.1 दिया हुआ है। वर्चुअली आप लोग इस फोन में 8GB तक रैम बढ़ा सकते हो, तो गेमिंग के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। बैटल ग्राउंड गेम वगैरह खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हायर सेटिंग पे, और नॉर्मल यूजर्स में भी कोई दिक्कत लेकर के नहीं आएगा। जो मैंने तीसरे नंबर पे फोन रखा है, इसका कैमरा बहुत ही ज़बरदस्त है और उसी के साथ साथ ये फोन ऑलराउंडर फोन भी है। ये फोन है नथिंग का नथिंग फोन 2A 5G। काफ़ी ज़्यादा यूनिक डिजाइन के साथ आता है ये फोन, क्योंकि बैक के साइड में जो ग्लिम फ्लाइट लगा हुआ है और पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट डिजाइन है। प्लास्टिक की बॉडी दी गई है और IP54 की रेटिंग भी दी गई है साथ में। सबसे पहले अगर कुछ अदर फीचर की बात करें तो जैसे कि डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट दिया हुआ है, जिसकी साउंड की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। और ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 14 के ऊपर में रन करते हुए मिल जाएगा, बेस्ड ऑन नथिंग OS 2.5। चलिए सबसे पहले डिस्प्ले से बात करते हैं, तो 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस 10 बिट वाली सुपर AMOLED डिस्प्ले दी गई है 120 हर्ट्ज हायर रिफ्रेश रेट के साथ, और 1300 nits तक का पीक ब्राइटनेस भी दिया हुआ है, और गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है डिस्प्ले के ऊपर में। तो डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, मूवी वेब सीरीज देखने के लिए, कंटेंट वाचिंग के लिए डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया है। डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट भी दिया हुआ है और गेमिंग के लिए यह डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया है। चलिए बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में, तो इस फोन में MediaTek Dimensity 7200 Pro 5G चिपसेट दी गई है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल चिपसेट है और 4 नैनोमीटर पर बना हुआ यह प्रोसेसर है। 7,40,000 के करीब इसका अंतोतु स्कोर आता है। वर्चुअली आप लोग इसमें 8GB तक रैम बढ़ा सकते हो, और रैम टाइप LPDDR4X और स्टोरेज टाइप FS2.2 दिया हुआ है। तो प्रोसेसर बहुत ही ज़बरदस्त है, गेमिंग के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। बैटल ग्राउंड्स गेम वगैरह हायर सेटिंग पर लंबे टाइम तक खेल सकते हो, और डेली लाइफ यूजर्स में भी बिल्कुल ही एक स्मूथ एक्सपीरियंस रहेगा। बाकी बैक के साइड में डुअल कैमरा सेटअप दिया हुआ है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा OIS के साथ और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया हुआ है। यानी दोनों ही कैमरा जो है 50-50 मेगापिक्सल के हैं, और इन दोनों ही कैमरे से 4K में 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकती हो। और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, उससे फुल एचडी में 60fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सच बात बताऊं तो इसकी कैमरा की क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको मैंने पर्सनल लाइफ में यूज़ भी किया है, तो इसकी कैमरा बहुत ही बढ़िया है। 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकती हो और काफ़ी अच्छे फोटो और वीडियो दिन और रात दोनों ही टाइम पर निकल करके आते हैं। और बैटरी की बात करें तो 5000mAh की एक बड़ी बैटरी दी गई है, और ये फोन 45W के चार्जिंग को सपोर्ट करती है, एक घंटे में बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। लेकिन चार्जर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, बॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलेगा। जो मैंने दूसरे नंबर पे फोन रखा है, ये एक OnePlus का फोन है और ये एक ऑलराउंडर फोन भी है। फोन है OnePlus का OnePlus Nord CE 4 5G। काफ़ी अच्छा डिजाइन दिया हुआ है इस फोन का, प्लास्टिक की बॉडी दी गई है, IP54 की रेटिंग भी मिल जाएगी। और कुछ अदर फीचर की बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट दिया हुआ है फोन में, और ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के ऊपर में रन करते हुए मिल जाएगा, बेस्ड ऑन ऑक्सीजन OS 14। चलिए बात करते हैं सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में, तो 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस 10 बिट वाली फ्लूइड AMOLED डिस्प्ले दी गई है, और ये 120Hz का जो है रिफ्रेश रेट के सपोर्ट करती है। 1100 nits तक का पीक ब्राइटनेस भी दिया हुआ है। डिस्प्ले के ऊपर में पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाएगा, तो डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया दी गई है। आउटर विजिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगी, हाईर रिफ्रेश रेट भी है, तो मूवी वेब सीरीज देखने के लिए, गेमिंग के लिए, डेली लाइफ यूजर्स के लिए ये डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर प्रोसेसर की बात कर ले तो प्रोसेसर भी काफ़ी तगड़ा दिया हुआ है इस फोन में। स्नैपड्रैगन 7 Zen 3 वाला 5G प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि 4 नैनोमीटर पर बना हुआ प्रोसेसर है और 7 लाख के करीब इसका अंतोतु स्कोर आता है। फोन में वेपर कूलिंग चैम्बर का भी सपोर्ट दिया हुआ है, जिससे फोन ज़्यादा हीट नहीं होता है हायर सेटिंग पे गेम खेलते टाइम भी। और रैम टाइप जो है इसमें आप लोग वर्चुअली 8GB तक बढ़ा सकते हो। LPDDR4X रैम दिया हुआ है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप दिया हुआ है, तो प्रोसेसर भी बहुत ही बढ़िया है। गेमिंग के मामले में तो कोई दिक्कत आएगा ही नहीं, और जब गेमिंग के मामले में कोई दिक्कत नहीं आएगा तो डेली लाइफ यूजर्स में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। बाकी बैक के साइड में डुअल कैमरा सेटअप दिया हुआ है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और ये सोनी का सेंसर
सेंसर है, OIS का सपोर्ट भी दिया हुआ है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है और इसके मेन कैमरे से 4K में 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, उससे फुल HD में 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। जाहिर सी बात है OnePlus के कैमरा अच्छे होते हैं तो इस फोन का कैमरा भी बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। दिन और रात दोनों ही टाइम पे फोटो और वीडियो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर शार्प इमेज निकल करके आते हैं। बाकी 5500 mAh की यानी कि 5500 mAh की एक बड़ी बैटरी दी गई है फोन के अंदर है और ये जो है 100W के चार्जिंग को सपोर्ट करती है। चार्जर आपको बॉक्स में भी मिलेगा, 45 मिनट में बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी और आराम से आपको एक दिन का बैटरी बैकअप नॉर्मल यूजेस पे मिल जाएगा, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगा। फाइनली बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट के पहले नंबर वाले फोन के बारे में। तो ये फोन एक ऑलराउंडर फोन है और इसका डिजाइन, डिस्प्ले, कैमरा, प्रोसेसर, बैटरी सब कुछ बढ़िया है। ये फोन है मोटोरोला का मोटो एड्स 50 फ्यूजन 5G, काफ़ी अच्छा डिजाइन के साथ आता है ये फोन। बैक के साइड में वीगन लेदर का डिजाइन दिया हुआ है, IP68 की रेटिंग भी मिल जाती है। और कुछ अदर फीचर की बात कर ले तो डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट भी दिया हुआ है डॉल्बी एटमोस के सर्टिफिकेशंस के साथ और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया हुआ है जो कि बहुत ही फास्ट काम करता है। ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के ऊपर में रन करते हुए मिल जाएगा बेस्ड ऑन हेलो UI। सबसे पहले डिस्प्ले की बात कर लेते हैं तो 6.7 inches की फुल HD प्लस 10 bit वाली POLED कर्व डिस्प्ले दी गई है। कर्व डिस्प्ले है तो मूवी वेब सीरीज देखने के लिए, कॉन्टेंट वॉचिंग के लिए, गेमिंग के लिए ये डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया है। 144Hz का हाई रिफ्रेश रेट भी दिया हुआ है और 1000 nits तक का पीक ब्राइटनेस भी दिया हुआ है तो आउटडोर विजिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगी। गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है डिस्प्ले के ऊपर में। अगर प्रोसेसर की बात कर ले तो इस फोन में स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 वाला 5G प्रोसेसर दिया हुआ है जो कि 4 nanometer पे बना हुआ प्रोसेसर है और 1000000 के करीब इसका अंतत्व स्कोर आता है। बाकी रैम आप लोग इसमें जो है वर्चुअली बढ़ा भी सकते हो। रैम टाइप LPDDR4X और स्टोरेज टाइप FS2.2 दिया हुआ है। फोन में वेपर कूलिंग चैम्बर का भी सपोर्ट दिया हुआ है जिससे फोन ज़्यादा हीट नहीं होता है तो गेमिंग के मामले में कोई दिक्कत लेकर के नहीं आएगा और डेली लाइफ यूजर्स में भी बहुत ही अच्छा रहेगा ये फोन। कैमरा की अगर बात कर लेते हैं तो बैक के साइड में डुअल कैमरा सेटअप दिया हुआ है जिसमें 50 megapixel का मेन कैमरा OIS के सपोर्ट के साथ और 13 megapixel का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया हुआ है और इससे आप लोग 4K में 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। 32 megapixel का सेल्फी कैमरा है और इस सेल्फी कैमरा वाले से भी आप लोग 4K में 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, यानी दोनों ही कैमरे से 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे और फोटो और वीडियो की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा क्लियर, बहुत ही ज़्यादा शार्प और बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। दिन और रात के कंडीशन में भी काफ़ी सारे फीचर भी मिल जाते हैं आपको कैमरा के अंदर में तो कैमरा भी इसका A1 क्वालिटी का है। बाकी 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी दी गई है फोन के अंदर में, ये सपोर्ट करती है 68W के चार्जिंग को और जो कि 50 मिनट में बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी और आपको चार्जर उल्टा बॉक्स में ही मिल जाएगा, यानी अलग से आपको चार्जर खरीदने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग को यही वाला फोन बाई कर लेना चाहिए, मोटो एड्स 50 फ्यूजन 5G। बाकी मैंने आपको 5वें स्मार्टफोन के बारे में बता दिया तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जो है नॉलेज मिल गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सा फोन खरीदना चाहिए। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे और कंटेंट देखने के लिए। तो चलिए मिलेंगे किसी अगले नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।